हेलो वेलकम टू अनदर गाइस। तुम्हारे भाई लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तुम्हारे भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप अपने आईफोन के बैकअप किए फोटोज या कोई भी फोटोज को अपने कंप्यूटर से अपने आईफोन में यानी पीसी टू आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी इजी टू वे। इसके लिए कोई भी इंटरनेट का जरूरत नहीं है, जस्ट ऑफलाइन में ही आप लोग इसको कर सकते हो और कुछ ही मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और सिखाऊंगा, हाथ पकड़ के ए टू जेड प्रोसेस में फुल गाइड के तहत सिखा दूंगा। मेरे भाई लोग, आईफोन एक बहुत ही हाईली सिक्योर वाला मोबाइल है। इसका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है जो जो लोग आईफोन को यूज करते हैं। आप लोग सारे लोग जानते हो कि आईफोन में ऐसा कुछ जैसे हम लोग बैंक वगैरह ओटीपी तीन बार अगर गलत देते हैं तो लॉक हो जाता है, ऐसे ही आईफोन का आईक्लाउड का पासवर्ड अगर तीन बार आप लोग गलत दिए तो कुछ घंटे तक आप इसको खोल नहीं सकते या खोलने के लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा झमेला भी आपको सहना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल देखे कि हो नहीं रहा है, फोटो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन शो नहीं करता है। अगर कोई एप्लीकेशन से करते हो तो पेड एप्लीकेशन लगता है जो पैसा खर्च होता है। लेकिन भाई आज मैं आप लोगों को जो मेथड दिखाऊंगा ना तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि आप लोगों के पास ये सारा कुछ रहता है तो आप लोग क्यों नहीं कर पाए। तो हम करने वाला है iTunes एप्लीकेशन के मदद से जो कि एप्पल का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है पीसी वर्जन वाला। तो चलिए आप अपने iTunes को जो है सिंपली से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और अगर डाउनलोड है तो प्लीज उसको अपडेट कर लीजिए। और iTunes का ढेरों सारे फीचर्स जो है एकदम फ्री है। तो चलिए मेरे भाई लोग वीडियो को बिना देर के फटाक से शुरू किया जाए, लेट्स गेट स्टार्ट। कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आपसे एक बार फिर से और बहुत बहुत तेज से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। मेरे भाई लोग सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे चले आए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो एप्पल डिवाइस है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आपका एप्पल डिवाइस, ठीक है। इस डिवाइस को अपने एप्पल केबल से, ये केबल जो है चाहे आपका एप्पल 14 हो 15 हो, आप अपने केबल के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट कीजिएगा एप्पल डिवाइस से। ये केबल जो है आपके पीसी से कनेक्ट होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो कनेक्टेड है, ठीक है। वो केबल जो है मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ अभी, तो देख लो मेरे भाई इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका जो लॉक है ना, लॉक खोल के रख दीजिएगा, पीसी से एकदम कनेक्ट है। अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाद बाकी स्क्रीन रिकॉर्ड में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो एप्पल आईफोन चले आए हैं, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको बैक में आओ। अब आप लोग iTunes का जरूरत पड़ेगा, iTunes का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपली से आप अपने iTunes को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो जो लोग एप्पल यूज़ करते हो, हालांकि पीसी में iTunes होगा ही होगा, नहीं तो अपने दोस्त के पीसी से कीजिएगा। तो किसी भी जगह से करो, आप iTunes को इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि iTunes से सारा कुछ दिखाने वाला हूं, क्योंकि भाई ये ऑफलाइन मेथड टोटली है, ठीक है। ये iTunes ओपन हो गया। अब देखो ये सिंक जीत भाई ऑफिशियल, ठीक है। ये मेरा फोन है, फोन में सिंपली से टैप कीजिए और फोटो में आइए, ठीक है। फोटो में आए, ठीक है। अब जो इसमें किसी किसी का अगर सिंक फोटोज ये टिक मार्क नहीं किया होगा, ऐसे अगर होगा तो आप लोग इस तरीके से सिंक फोटो इसमें जो है क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जिस जगह पर फोटो है आप उसी फोल्डर में चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली से कॉपी फोटो फ्रॉम ये जो कुछ भी है यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर चूज फोल्डर इस वाले ऑप्शन में सिंपली से क्लिक कर लीजिए। और आपका फोटो कहाँ पर है तो प्राइवेसी के अकॉर्डिंग मैं जो मेरा पर्सनल कुछ है मैं हाइड करने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो फोटो है ये सारा कुछ जो है मेरा फोटो है। तो आप एक एक फोल्डर करके ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले ये वन है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। उसके बाद अप्लाई और डन करना पड़ेगा, अप्लाई कीजिए। अप्लाई जैसे ही करते हो यहाँ पर देखो प्रिपेयरिंग हो रहा है, वेटिंग फॉर कॉपी फोटोज 1 of 315। आपका जो लाइव फोटो बैकअप करके रखे हो सारा कुछ जो सपोर्टेड होगा क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है। कॉपी फोटो ये होने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं सिंपली से कॉपिंग फोटो 67 of 315। ये कंप्लीट होने दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या फोटो है उस फोल्डर के फोल्डर में ये सारा कुछ मेरा फोटो है, वन फोल्डर नंबर वन लिख के, ठीक है। तो मैं हाइड किया हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, ये मेरा प्राइवेसी है। तो और थोड़ा सा है देख लो भाई, बहुत अच्छा खासा स्पीड देता है ये। और ओरिजिनल केबल से कनेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है क्योंकि एप्पल का डिवाइस आप लोग जानते हो कितने ज़्यादा हाई सिक्योर वाला डिवाइस है। वेटिंग फॉर आइटम्स टू कॉपी, अब वेटिंग करना है हम लोगों को। अब जो है डन कर दीजिए सिंपली से, डन जैसे ही करते हो तो वेटिंग फॉर आइटम टू कॉपी, ये वेटिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और भाई लोग अब देखो ये जो फोटो है सारा फोटो चले आए हैं जो जो मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसको डन कीजिए फ्रॉम माय मैक,
ठीक है, यहाँ पर आओ, ये सारा जो फोटो है, ये सारा फोटो जो है आ चुका है, सिंपली से आ चुका है, जो जो मैंने कॉपी किया। देखो आपका फोल्डर का नाम यहाँ पर शो होगा, ये देखो मैं फोल्डर का नाम दिखा दे रहा हूँ, ये है फोल्डर का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको आपके आईफोन का जो बैकअप है या कोई भी फोटो है जो आपका शो नहीं कर रहा था, कोई भी तरीके से आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख लिए, तो इस तरीके से आपके आईफोन का फोटो या कोई भी फोटो आप अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो और शो ऑटोमेटिकली करा सकते हो, क्योंकि आईफोन अपने प्रोडक्ट को ही अपने रिलेटेड टाइप के सॉफ्टवेयर से ही आईफोन जो है सपोर्टेड है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग सब लोग जानते हैं आईफोन का जो है नियम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और रूल्स रेगुलेशन तो हम लोगों को पालन करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तुमने भाई लोग देख लिए कितना ज़्यादा इजी टू वे प्रोसेस था। तो इस तरीके से भाई आप लोगों को काम करना है और अपने कोई भी आईफोन का बैकअप आप ले सकते हो। बैकअप लेने के बाद आप अपने आईफोन का कोई भी फोटोस हो जाए, वीडियोस हो जाए और बहुत कुछ ऐसे फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आज का टॉपिक था फोटोस एंड वीडियोस कैसे भाई ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आप लोगों के आईफोन का लाइव फोटोस लाइव वीडियोस जैसा था वैसा ही आप लोगों को शो होने लगेगा। तो इस तरीके से भाई आप लोगों को काम करना पड़ेगा। वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा बढ़कर शेयर कर दीजिए ताकि मेरे मेहनत का फल बेकार ना जाए, क्योंकि एक कंटेंट के जरिए वीडियो बनाने में गाइस सारा दिन निकल जाता है। तो ये मेरा मेहनत का फल होगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा बढ़कर शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो फिर मिलते कल और एक 2000 कंटेंट ले आकर के। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रही उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के बारे में ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या उसको रिजॉल्व करना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा, मैं 24 आवर्स ऑनलाइन में रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू सून।